राजीव दात्या ने लिया प्रियंका का स्टैंड, वहीं पर देवोलीना ने राजीव के ट्वीट का आंसर देते हुए मेकर्स और टीना दत्ता का मजाक उड़ाया है। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट, जिसके बारे में जान के अगर आप लोग भी इन दोनों से सहमत है तो अपने विचार भी बताते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रियंका और जहां पर अर्चना और साजिद की लड़ाई हुई, हालांकि साजिद को तो काफी ज्यादा डांट लगानी चाहिए थी, पर वीकेंड के बाद पे उनको बहुत ही प्यार से मक्खन लगा के जो है इस मैटर को निकाल दिया गया। पर वहां पर सबसे ज्यादा टारगेट जो है प्रियंका चहार चौधरी को किया गया। इसी चीज से निराश हो गए राजीव दात्या और उन्होंने ये बात बोला कि सलमान खान जो है सब चीजें अच्छी करते हैं पर हमेशा ही प्रियंका को वो टारगेट क्यों करते हैं और प्रियंका को वो कुछ बोलने क्यों नहीं देते। वहीं पर अगर देखे तो टीना दत्ता इतनी सारी चीजें बोलती है और इतनी गलत स्टेटमेंट्स देती है जिसको ना सलमान खान रोकते हैं और ना ही उस चीज को करेक्ट करते हैं। प्रियंका का देखा जाए तो प्रियंका टीना दत्ता से बहुत अच्छी गेम खेल रही है पर फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों किया जाता है, ये ट्वीट जो है राजीव दात्या ने की। और वहीं पर देवोलीना ने इसका ट्वीट रिप्लाई दिया, उन्होंने बोला कि पागल वागल हो गया है क्या, तुझे पता नहीं है कि टीना कितनी बार बिग बॉस को याद करवा चुकी है कि वो उनके कलर्स टीवी का ब्रांड है, वो कलर्स टीवी का फेस है। अभी तक प्रियंका ने बिग बॉस को याद नहीं करवाया ना, इसीलिए प्रियंका को इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है और टीना दत्ता को बहुत ज्यादा ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो कलर्स टीवी का फेस है। ये बात जो है देवोलीना बहुत ही अच्छे तरीके से कहती हुई नजर आई कि भाई मैं तो इन दोनों की बातों से काफी ज्यादा सहमत हूँ। अभी आप लोग कितने ज्यादा सहमत है आप लोग बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।